फाइनली दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय यानी कि BRBU में UG में एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू हो गया है। यानी कि दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट BA BSc BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार एडमिशन होगा, तो इसका जो ग्रेजुएशन एडमिशन है ये प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्योंकि लिंक एक्टिव हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का जो प्रोसेस है, कैसे सब्जेक्ट चूज करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बहुत सारा चीज़ है जो कि बारीकी से आपको भरना पड़ता है। नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसको हम यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं, तो बिहार विश्वविद्यालय में आप कैसे एडमिशन लेंगे ये सारा जानकारी बताएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। और चैनल पर पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो लेटेस्ट और अपडेट है हमारे चैनल पर लेके आते रहे। दोस्तों सबसे पहले चले आना है biharhelp.in पे। जैसे सर्च करेंगे, बिहार का नंबर वन एजुकेशन वेबसाइट है। यहाँ पे एडमिशन वाले कैटेगरी में तो आर्टिकल मिल ही जाएगा, लेकिन सर्च बार में आपको लिखना है BRABU। जैसे लिखेंगे तो आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा BRABU का, और इस वाले आर्टिकल को ओपन कर लेना है। ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे तमाम जानकारी डिटेल्स में दिया हुआ है। आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 18 अप्रैल से शुरू हो गया है, लास्ट डेट अभी नहीं आया है, मई तक ये लास्ट डेट रहेगा। और पैसा की बात करें तो ₹600 लगने वाला है सामान्य और पिछड़ा वर्ग को, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को यहाँ पे ₹300 लगेगा। सारा जानकारी दिया हुआ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन हम आपको फॉर्म भर के बताते हैं क्योंकि टाइम बिना गवाए हुए। नीचे स्क्रॉल करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक है टू ऑनलाइन अप्लाई है, इस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले साइनअप का पेज आएगा, यहाँ पे सेशन सेलेक्ट करना है July 2024 टू देख सकते हैं June 2025। ये दोस्तों क्या होता है, ये सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो आपको ये फर्स्ट ईयर का जो है फर्स्ट साल का ये एडमिशन हो रहा है, फिर दूसरा साल भी हर एक साल कराना पड़ेगा। प्रोग्राम में UG होगा, यानी कि अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं। यहाँ पे जो है सेलेक्ट कोर्स है, इसमें आप BA BSc BCom जो भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है कोई भी सब्जेक्ट से इंटर पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 45% नंबर होना चाहिए। अगर आप BSc करेंगे तो आप साइंस से इंटर पास है तभी BSc कर सकते हैं, BCom करने के लिए कॉमर्स से अगर इंटर पास है तभी कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स में दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट वाले लोग इंटर ले सकते हैं, यानी कि एडमिशन करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो है पार्टिसिपेशन UG डिग्री आ जाएगा यहाँ पे ऑनर्स पेपर। तो यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट स्ट्रीम एंड कोर सब्जेक्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑनर्स पेपर सेलेक्ट करना है। तो जिस भी ऑनर्स से आप करना चाहते हैं, जैसे हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब अलग अलग लोगों करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए हिंदी कर लेते हैं, ज्योग्राफी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे, मेरा नाम अजीत है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा चालू यहाँ पे उसमें डालिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या है इसमें OTP वगैरह जाता है, तो चालू मोबाइल नंबर ही डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है, तो पासवर्ड दोस्तों स्ट्रॉन्ग बनाइएगा जो कि आप उसी से लॉगिन कर पाए, जिसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सब कुछ होता है। और कंफर्म पासवर्ड इसी तरीके से यहाँ पे डालना है, हम आपको सब कुछ लाइव दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी एग्री है ही, आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे मोबाइल पे OTP चला जाएगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं OTP आया है नहीं, आ ही जाता है इंस्टेंटली, तो मेरे पास ये OTP भी आ चुका है। चलिए OTP डाल के और यहाँ पे वेरीफाई OTP एंड क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका जो है यहाँ पे सक्सेसफुली एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा। ऐसे दोस्तों ये एप्लीकेशन नंबर आपको जो है ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे भी प्राप्त हो ही जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम यूजर नेम इसमें डाल देते हैं, आप ऐसे अपना ब्राउजर में भी सेव कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम मेरा ये काम हो गया, अब यहाँ पे साइन इन पे हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो अभी आपको मिला है वो वाला और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो वाला डाल के और रिमेंबर पासवर्ड पे क्लिक करके लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड आ गया, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन तो हमने कम्प्लीट कर लिया है, और आपके मोबाइल पर भी दोस्तों यूजर नेम पासवर्ड आपका चला गया होगा, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सारा चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से पेंडिंग सब कुछ दिखा रहा है। तो सबसे पहले क्या क्या क्लियर करना है हर एक चीज़, जैसे आपको पर्सनल डिटेल्स है, सबसे पहले हम यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल्स पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपने जो दिया है सब कुछ आएगा यहाँ पे। और अब यहाँ पे आपको दोस्तों आप चाहे तो टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में, जैसे यहाँ पे मिस्टर लगाते हैं, मिसेस है, जो भी है, डॉक्टर है, मिस्टर लगा दिए। अब यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना है,
तो हिंदी में दोस्तों मोबाइल में क्या कीजिएगा, आप अपना गूगल जैसे ट्रांसलेट करते हैं उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी में लिख देते हैं जो भी है, और यहाँ पे पहले तो फर्स्ट नेम लिखना है, सॉरी, अब लास्ट, मिडिल नेम छोड़ देते हैं, लास्ट नेम लिखते हैं यहाँ पे, लास्ट नेम यहाँ पे हिंदी में ही लिखना है, तो हिंदी में हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके सामने हर एक चीज़ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले साल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर मंथ हो गया, फिर यहाँ पे डेट हो गया। एग्जैक्टली कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कैटेगरी से आप आते हैं सबका यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। मेरा EBC है, BC है, जो भी है मेरा BC के अंतर्गत आता है, तो BC कर लेंगे। जो इसका जो है ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, ये आपको डालना पड़ेगा, जैसे जिसका जो भी है आप यहाँ पर डाल सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्म बताना है, जो क्योंकि दोस्तों इस पे भी आपको जो है मैसेज वगैरह आएगा, OTP हो गया, चाहे रजिस्ट्रेशन प्रिंट वगैरह, तो बहुत सारा जानकारी इस पे भी काम आता है। तो सही ईमेल आईडी डालिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ईमेल बनवा लेते हैं लेकिन यूज नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, इंडियन कर देते हैं, रिलीजन हिंदू हो गया मेरा, जो भी है कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब आपको यहाँ पे मैरिड स्टेटस में मैरिड है अनमैरिड है सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे, यदि आप दोस्तों यहाँ पे EWS से बिलोंग करते हैं, यानी कि दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। विकलांग है, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। पूर्व सेवा में अगर आपके एक सर्विस मैन में थे तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे यदि आप जो है NCS के कैंडिडेट हैं, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यदि आप खेल के उम्मीदवार हैं, यानी कि स्पोर्ट्स के कैंडिडेट हैं, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप किसी कर्मचारी से हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। समय हम नो ही रहने देते हैं, कुछ है ही नहीं मेरा। उसके बाद यहाँ पे एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, यहाँ पे फुल आपको एड्रेस लाइन लिखना है, शहर लिखना है, पिन कोड लिखना है, और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले हम फिलअप कर देते हैं जो भी है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, आप दोस्तों फादर्स या हस्बैंड नेम है, जैसे बहुत सारे लड़की अप्लाई करती है तो उन ऐसे स्थिति में उनको जो है हस्बैंड नेम डाल सकती है, अगर आप फादर्स है तो फादर्स नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे टाइटल सबसे पहले सेलेक्ट करना है, तो SO का मतलब होता है सन ऑफ, DO का मतलब होता है डॉटर ऑफ, और HO का मतलब होता है हस्बैंड ऑफ। तो आप जो भी, आप जिसका भी डिटेल्स देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सन ऑफ कर देते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और पिताजी का मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है डाल के, और आपको अपडेट पे क्लिक करना, अपडेट पे क्लिक करना है। ये सक्सेसफुली डेटा अपडेट हो गया। अब आपको यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन में आ जाना है, पर्सनल डिटेल्स का काम हो चुका है। क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 10th का डिटेल्स ऐड 10th क्वालिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन 10th हो गया, यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपको दोस्तों यहाँ पे जो है मार्कशीट अपना अपलोड करना पड़ेगा। ये चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिस्ट भी है, आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डालना है। तो 12th और 10th दो चीज़ का डालना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 10th का डालते हैं। यहाँ पे बोर्ड नेम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर हो गया, पासिंग ईयर किस साल आपने पास किया था, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों रोल नंबर के बाद यहाँ पे पासिंग टोटल पेपर कितना का हुआ था, यहाँ पे जैसे 500 का पेपर हुआ एग्जांपल के लिए 500 का, और यहाँ पे नंबर कितना आया 375 एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली ऐड हो गया मेरा। अब यहाँ पे इसको चाहे तो आप व्यू करके डिले देख भी सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया। अब हम 12th वाला क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपको देख लीजिए आर्ट साइंस कॉमर्स आपका क्या था 12th में, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्राउजर से फिर से आपको यहाँ पे जो है अपना मार्कशीट अपलोड कर लेना है, जो भी आपके पास मार्कशीट होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है, जो भी है लाइव यहाँ पे हम डाल के दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो जो है सही सही फिलअप नहीं करते हैं, इस कारण जो है उनका रिजेक्ट भी हो जाता है आवेदन। पासिंग ईयर डाल दे रहा है किस साल आपने पास किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर्स कितना का एग्ज़ाम था, कितना आया, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे आपको जो है सबमिट पर क्लिक करना है, जिसके बाद दोस्तों ये भी क्वालिफिकेशन अब ऐड हो गया। अब आपको यहाँ पर दो काम हो गया। अब थर्ड नंबर में चॉइस एंड सेलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे चॉइस एंड सेलेक्शन में क्या करना है आप ये समझिए। सबसे पहले आपको जो है कॉलेज लिस्ट फिल्टर बाई, यहाँ पे आपको बाय डिस्ट्रिक्ट, यानी कि दोस्तों आप किस डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर सेलेक्ट किए,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुजफ्फरपुर में जो भी कॉलेज है सबका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है जैसे तीन मिनिमम कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। आप एडमिशन लेना चाहते हैं सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इसी तरीके से, ताकि उस जिला का जो भी कॉलेज होगा ना आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे जो भी है हम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कर दिए हैं, और यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला हम यहाँ पे जो भी सब बहुत सारा ऑप्शन है RDS कॉलेज कर देते हैं। थर्ड नंबर में यहाँ पे जो है और भी ऑप्शन है डिग्री कॉलेज हम शिवहर कर देते हैं। जो भी आपका ऑप्शन आएगा जगन्नाथ मिश्रा से लेके उस जिला में जितना कॉलेज होगा ना सबका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। RDS कॉलेज है ये भी हम कर सकते हैं। RDS दो बार हो रहा है, दो बार नहीं कर सकते ये कॉलेज को, ये ध्यान में रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू सीतामढ़ी का कॉलेज है। उसके बाद ऐड न्यू चॉइस पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से 10 कॉलेज आप मिनिमम सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि आपको किसी न किसी में नाम आ जाना चाहिए। ऐसे दिक्कत हो जाता है कि मिनिमम यहाँ पे आपको जो है 5 ही चॉइस करना है, सॉरी हम देखे नहीं, आप यहाँ पे जो है कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव हो गया। 5 कॉलेज आप चयन कर लीजिएगा, जिसको एक नंबर में रखेंगे ज़्यादा चांसेस है उसी में आएगा। अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाना है। अब यहाँ पे जो है 50 KB से मैक्सिमम जो है 50 KB फाइल का जो है आपका फोटो होना चाहिए, उसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए, अब आपको आधार कार्ड होना चाहिए। चलिए तीनों डिटेल्स अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आपको एग्जाम्पल के लिए अगर फोटो सिग्नेचर और आधार कार्ड साइज ज़्यादा है, तो आप हमारे साइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे में एक टूल मिलेगा, देख सकते हैं इमेज रिसाइजर का, इसको यहाँ पे इंपोर्टेड लिंक के नीचे यहाँ पे जो है आप जो है अपना एग्जैक्टली साइज कम कर सकते हैं, यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं। कोई भी फोटो अपलोड कीजिए और यहाँ पे परसेंटेज डाल दीजिए कितना परसेंट कम करना है, यहाँ पे रिसाइज हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे हो गया। तो ये कर लीजिएगा आप लोग, ऐसे इतना तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए ये फोटो सिग्नेचर और आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद अपडेट पे हम क्लिक करेंगे, जिसके बाद दोस्तों ये जो है अपडेट भी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड होने में। अब डॉक्यूमेंट का भी काम हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है देख लीजिए फाइनल कंफर्मेशन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स दिखाई देगा, जैसा कि नाम डिटेल्स हो गया, सारा चीज़ फोटो सिग्नेचर आधार कार्ड हो गया, कौन कौन से डिटेल्स आपने दिया है, कॉलेज वगैरह क्वालिफिकेशन हर एक चीज़ देख लीजिएगा। अगर कुछ भी गलत है तो अभी भी आप इस सब को सुधार कर सकते हैं, बाद में नहीं होगा। उसके बाद आपको जो है आई एग्री पे क्लिक करना है टर्म एंड कंडीशन, और एग्री एंड कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपका जो है यहाँ पे फाइनली सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन हो गया। अब आपको पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट करना है और एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है। पे नाउ पे हम क्लिक किए, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सबका ऑप्शन आ गया। जिस भी चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं आप अपना जो है कर सकते हैं। UPI सबसे बेस्ट होगा, यहाँ पे पेटीएम का UPI डालिएगा, वेरीफाई कीजिएगा, मोबाइल पे मैसेज आएगा, उससे आप पेमेंट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है आसानी पूर्वक पेमेंट करेंगे और बैक करेंगे आप अपने यहाँ पे डायरेक्ट। जब पोर्टल पे बैक आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ से आपको प्रिंट का, जैसे पे का ऑप्शन है ना, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके प्रिंट कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपना अप्लीकेशन फॉर्म ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए BRBU में आवेदन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कैसे आवेदन करना है। फिलहाल दोस्तों ऑनर्स पेपर सेलेक्ट हो रहा है, बाकी जो आप सोच रहे हैं सब्सिडी वगैरह क्यों नहीं हुआ, तो वो आपको जो है कॉलेज में जब आप एडमिशन कराने जाएंगे, जब नाम आ जाएगा उस समय होता है। तो ये प्रक्रिया भी चेंज हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।